आगे आपको दिखाते हैं टॉप 10 वायरल वीडियोस। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक 7 साल का बच्चा स्पाइडरमैन की तरह दीवारों पर चढ़ जाता है। बच्चा छिपकली की तरह हाथ और पैर के पंजों को दीवारों पर चिपका लेता है और आसानी से चढ़ता चला जाता है। यशार्थ सिंह स्पाइडरमैन मूवी से प्रभावित था और मूवी देखने के बाद उसने दीवारों पर चढ़ने का अभ्यास शुरू किया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत के बाद सेना के जवान को उचित सम्मान नहीं मिलने पर उत्तर प्रदेश के चंदौली की जनता में आक्रोश देखा गया। यहां सैनिक का पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से घर भेजे जाने पर ग्रामीण गुस्सा हो गए और धानापुर में वाराणसी जमनिया रास्ते को जाम कर दिया। स्थानीय जनता ने सैनिक को शहीद का दर्जा दिलाने और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने की मांग की। मुंबई में लोकल ट्रेनों को शुरू करने की मांग को लेकर विरार स्टेशन के बाहर करीब 300 से ज्यादा नाराज लोग पहुंच गए और जोरदार हंगामा किया। इससे पहले 22 जुलाई को नालासोपारा में नाराज यात्रियों ने लोकल ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति की मांग करते हुए बैरिकेड तोड़ दिए थे। अमृतसर में किसान विरोधी 3 ऑर्डिनेंस और बिजली संशोधन एक्ट वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने राज्यव्यापी जेल भरो आंदोलन किया। किसानों के अलग अलग संगठनों के बैनर के नेतृत्व में सैकड़ों किसान अमृतसर के डीसी कार्यालय पहुंचे और धरना दिया। आगरा में खंदौली के सिरौली की महिलाओं ने अनोखे तरीके से जल भराव की समस्या के खिलाफ अपना विरोध जताया। महिलाएं थाली बजाते हुए ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर ऑफिस पहुंची और धरना दिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लॉकडाउन के दौरान स्कूल की फीस माफी के लिए अभिभावकों की भूख हड़ताल पिछले 6 दिनों से जारी है। यहां अभिभावकों ने थाली बजाकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपनी मांगे रखी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद शहर में नीलम झेलम नदी पर चीनी कंपनियों के बनाए जाने वाले मेगा डैम के निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। यहां बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और मशाल रैली निकाली। इससे पहले 25 अगस्त को भी लोगों ने मेगा डैम के खिलाफ मशाल रैली निकाली थी। पंजाब के मुक्तसर साहिब के गांव कब्रवाला में हरेंद्र सिंह उर्फ साबी पर सरपंच शरणजीत संधू ने अपने लोगों से जानलेवा हमला करवाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि हरेंद्र सिंह ने कच्ची गलियों और नालियों संबंधी शिकायत मीडिया से कर दी थी, जिससे सरपंच को गुस्सा आ गया था। पंजाब में तरन तारण के पिंड में कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग को रास्ते में रोक कर पिटाई कर दी और बदसलूकी की। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग भोजियो गांव के विकास के मुद्दे को उठाते रहे हैं, जिससे नाराज होकर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बौद्ध समुदाय ने शहीद एसएफएफ अधिकारी न्यामा तेंजिंग के लिए एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इस प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में बौद्ध समर्थक शामिल हुए।